प्रिय साथियों, मैं सोहम आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। आज हम चर्चा करेंगे योग के फायदे, यानी योग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। टीबी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जोड़ों के दर्द, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स और अन्य रोगों के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों में संतुलन स्थापित करने के कारण ही योगिक चिकित्सा प्रणाली सफल हो सकी है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों और प्रणालियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे सूक्ष्म स्नायु तंत्र को चुस्त किया जाता है, जिससे उनमें ठीक प्रकार से रक्त संचार होता है और नई शक्ति का विकास होने लगता है। शरीर विज्ञान का यह सिद्धांत है कि शरीर के संकोचन एवं प्रसारण होने से उसकी शक्ति का विकास होता है तथा रोगों की निवृत्ति होती है। योग आसनों से यह प्रक्रिया सहज ही हो जाती है। आसन एवं प्राणायाम के द्वारा शरीर की ग्रंथियों एवं मांसपेशियों में कर्षण विकर्षण, आकुंचन, प्रसारण तथा शिथिलीकरण की क्रियाओं द्वारा उसका आरोग्य बढ़ता है। रक्त को वहन करने वाली धमनियां एवं शिराएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। अतः आसन एवं अन्य योगिक क्रियाओं से पैनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन ठीक मात्रा में बहने लगता है, जिससे डायबिटीज की परेशानी ठीक हो जाती है। पाचन तंत्र की स्वस्थता पर पूरे शरीर की स्वस्थता निर्भर करती है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता ही है। यहाँ तक कि हार्ट डिजीज जैसे भयंकर बीमारी का कारण भी पाचन तंत्र की अस्वस्थ होना पाया गया है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्ति युक्त बन जाता है। योग से हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फेफड़ों में पूर्ण स्वस्थ वायु प्रवेश होती है, जिससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं तथा दमा, श्वास, एलर्जी आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। जब फेफड़ों में स्वस्थ वायु आती है, तब उससे हृदय को भी बल मिलता है। योगिक क्रियाओं से मेद का पाचन होकर शरीर का भार कम होता है तथा शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनता है। इतना ही नहीं, इस स्थूल शरीर के साथ साथ योग सूक्ष्म शरीर एवं मन के लिए भी अनिवार्य है। कार्यालय में लंबे समय तक बैठने और मेजों पर झुककर अपने काम को करने से दिन भर की थकान और परेशानी को आसनों का अभ्यास एकदम मिटा डालता है। रात दिन मोबाइल फोन की घनघनाती घंटियों और 24 घंटे की व्यवसायिक आपाधापी के बीच योग व्यक्तिगत जीवन में राहत पहुंचाता है और कर्म में कुशलता भी लाता है। योग लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का एक सबसे अच्छा साधन है। इस परिप्रेक्ष्य में योग साधारण शारीरिक व्यायाम ही नहीं, वरन एक नवीन जीवन पद्धति को स्थापित करने का प्रभावशाली साधन है। एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें जीवन की बाह्य एवं आंतरिक वास्तविकताओं का सुंदर संयोग होता है। निश्चित ही यह जीवन शैली एक ऐसी अनुभूति है जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अभ्यास और अनुभूति के आधार पर ही इसे जीवंत और समझने लायक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक, और अब अगले वीडियो में योग से संबंधित किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप योग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।